सबसे पहले मैं माता गढ़ देवी की इस पावन पवित्र भूमि और बाबा बंसीधर राधे कृष्ण के आशीर्वचन से सिंचित इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए हम सबों के आराध्य गोत्र प्रवर्तक महर्षि कश्यप जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करता हूं। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गढ़वा समाज के होनहार तेज तरार युवा अध्यक्ष हम सबों के बड़े भाई आदरणीय उमेश कश्यप जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय युवा प्रशोधन वैश्य महासभा के तेज तरार राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबों के पथ प्रदर्शक अभिभावक तुल्य बड़े भाई आदरणीय संतोष कशोधन जी मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय युवा कशोधन वैश्य सभा के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय जगदीश प्रसाद कशोधन उर्फ वैश्य पीताम्बर जी राष्ट्रीय युवा कशोधन वैश्य महासभा के संरक्षक मंडल के सदस्य हम सबों के श्रद्धेय परम आदरणीय बाबा नन्हे दास जी इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय युवा कशोधन वैश्य महासभा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय निश्चल कशोधन जी इस मंच पर उपस्थित विवाह सलाहकार समिति के राष्ट्रीय युवा कशोधन वैश्य महासभा के अध्यक्ष हम सबों के आदरणीय सुभाष कशोधन जी इस मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय कशोधन वैश्य महासभा के तेज तरार प्रवक्ता हम सबों के श्रद्धेय आदरणीय नीरज कशोधन जी इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ अतिथिगण हमारे सामने बैठे हुए तमाम हमारे अभिभावकगण हमारे तेज तरार युवा साथी और बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रही हमारी माता एवं बहनों आप सभी लोगों का मैं राष्ट्रीय युवा कशोधन वैश्य महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की हैसियत से इस सभागार में आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग महर्षि कश्यप ऋषि जी के इस जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने भावनाओं के अनुरूप संगठन का विकास समाज का विकास और संगठन के भविष्य की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने बातों को रखने का भरपूर अवसर भी मिला है और सब लोगों ने उस पर काम भी करने का प्रयास किया है, परंतु हम लोगों को ये सोचना होगा कि अगर समाज को विकसित करना है समाज को विकासशील बनाना है और अपने आने वाली पीढ़ियों को उनका हक दिलाना है तो निश्चित रूप से हमें कुछ चीजों की कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हम उन चीजों की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक इन विषयों पर बहुत व्यापक चर्चा भी मुझे लगता है कि बेमानी ही होगी, क्योंकि आज भी हम कहीं न कहीं कुछ ऐसी परंपराओं से घिरे हुए हैं जिनसे बाहर निकलना शायद आज 21वीं सदी में भी लगता है कि बहुत असंभव सा प्रतीत होता है। खैर ठीक है कि बहुत से हमारे युवा नेतृत्वकर्ता जिनके जुझारूपन प्रदर्शन ने कहीं न कहीं उन व्यवस्थाओं को तोड़ा है और उसके पश्चात आज कुछ परिवर्तन जो है समाज के अंदर दिख रहा है। विशेष करके मैं विशेष और झारखंड बिहार और झारखंड की मैं बात करता हूं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश
हमको लगता है कि भारत में सबसे अधिक अगर कोई जनसंख्या वाला राज्य है हम लोगों के समाज के दृष्टिकोण से भी, तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश नेतृत्व भी हमेशा करने को तैयार रहा है और किया भी है, परंतु पहले के नेतृत्व और आज के नेतृत्व में कुछ व्यापक परिवर्तन हुए हैं। पहले के नेतृत्वकर्ता उनको उत्तर प्रदेश से बाहर समाज का व्यापक ढांचा दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज जो हमारी टीम काम कर रही है, आज जो हमारी राष्ट्रीय युवा कौशोदम गैस महासभा की टीम काम कर रही है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी संगठन के व्यापक विस्तार से काम कर रही है और लोगों के व्यापक विकास की विषयों में भी हम लोग सोच रहे हैं। और उसका ही एक परिणाम है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और अन्य उत्तराखंड, अन्य छोटे छोटे राज्य और भी देश के जो छोटे राज्य हैं, वहां भी हमारे संगठन विस्तार की कार्य जो है त्वरित गति से चल रही है और उसी का एक परिणाम है आज गढ़वा में ये आयोजित कार्यक्रम। मैं धन्यवाद देता हूं अपने बड़े भाई और तेज दरार गढ़वा के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कश्यप जी को, जिन्होंने भरपूर मेहनत किया है इस कार्यक्रम को सजाने में, सवारने में, परंतु दुर्भाग्य भी है इतना अच्छा कार्यक्रम है। खाना तो आवश्यक है, सबके लिए जरूरी है, कार्यक्रम में आने आए हैं तो भोजन तो करना ही पड़ता है, बिना खाना का तो जीवन में कोई रह नहीं सकता, लेकिन हम कार्यक्रम को कितनी प्राथमिकता देते हैं और उसके बाद की व्यवस्थाओं को कितना प्राथमिकता देते हैं महत्वपूर्ण ये है। हम कार्यक्रम को प्राथमिकता नंबर 2 में रखते हैं और बाकी के व्यवस्थाओं को प्राथमिकता संख्या 1 में रखते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, ये हमें समझना चाहिए कि इतने दूर दूर से जब लोग यहाँ आए हैं आपको कुछ बताने के लिए, आपसे कुछ सुनने के लिए, और उस समय अगर आप यहाँ से गायब हो जाएंगे और कुर्सियां ये खाली रहेंगी तो क्या ये मन जो है ये खाली टेंट और पंडाल को सुनाई देगा? किसको? ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है और जब तक ये परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनात्मक किसी भी तरह के जो है हम लोग विकास की बात को करना बेमानी होगा और परिवर्तन भी हमारे हिसाब से जो है वो बेमानी होगा और हम लोग जो है सिर्फ ऐसे ही बोलते बोलते रह जाएंगे। 35-36 निकल गया है, बाकी 15-20 और निकल जाएगा, उसके बाद फिर अगली पीढ़ी का जनरेशन शुरू हो जाएगा। ये समझने की आवश्यकता है। आज हम लोग जहां भी पड़े वो आपके बदौलत है, आपके आशीर्वाद के बदौलत है, आपके सहयोग के बदौलत है, इसमें कतई कोई नहीं है। जो जहां से भी रहा वो वहां से सहयोग करता है, वो वहां से आशीर्वाद देता है, लेकिन एक चीज और भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम कशोधन समाज से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन समाज में वैश्य बिरादरी, वैश्य जाति जिसको बोलते हैं, उसमें और सी भी व्यवस्थाएं हैं। हमें अपना घर को मजबूत करना ही करना है, लेकिन साथ साथ उस घर को भी कमजोर नहीं होने देना है जिस घर के बदौलत आने वाले समय में हमें हमारा राजनीतिक हक भी मिलेगा। सामाजिक रूप से हम ठीक है, आर्थिक रूप से भी हम ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमें मिलना चाहिए आज आजादी के बाद, जहां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मनाए और उसके बाद ये समाज राजनीतिक हक के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। पूरे भारत में हमारी एक विधायिका थी कुछ दिन पहले, आदरणीय श्रीमती संजू देवी जी, उनसे भी उनका हक छीन लिया गया,
जबकि दुर्भाग्य है कि उस जगह पर हमारी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हमसे हमारा सम्मान छीना जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमें भी विचार करना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि मेरा सम्मान हमसे छीन लिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमारी सोच कमजोर है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बनिया समाज को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। बनिया समाज जहां एक लाइन में चल रहे हैं उनको उस लाइन के धारा से भटकाया नहीं जा सकता, और जब तक ये भावना उनके अंदर रहेगी तब तक हमारा राजनीतिक अधिकार हमसे हमेशा छीना जाता रहेगा। इसमें कोई इसको बचाने की आवश्यकता है, और इसको बचाने के लिए हमें अपने आप को भी बदलना होगा, समय के हिसाब से निर्णय लेना होगा। हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन जो हमारा आदर नहीं करेगा उसका भी खैर है, ये समझना होगा। हम लोग आज 15-17 साल हो गए हम लोग लगातार समाज में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और सब लोगों ने सहयोग किया है। पिछले बार जैसे हमारे अभिभावक तुल्य, हमारे मामा जी भी लगते हैं, उन्होंने बताया 2015 में विधानसभा की तैयारी में भी हम लोग काफी जोर शोर से लगे हुए थे। दुर्भाग्यवश उस समय हम लोग नहीं आ पाए उस दौर में, क्योंकि दलीय व्यवस्था में बहुत कुछ गठबंधन के धर्म के हिसाब से भी चलता है। तो उसके बाद 20 का मौका था, तो 20 भी जब गुजर गया है, एक समय हम लोग एक बड़े पार्टी के झगड़ा में फंस गए, और दूसरी बार उसके सहयोगी छोटी पार्टी के झगड़ा में फंस गए। तो मुझे लगा कि कभी कभी अपनी ताकत को भी दिखाना चाहिए, और उस ताकत को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया, और पिछले त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में हम लोगों ने कदम को आगे बढ़ाया, और कदम को आगे बढ़ाया 50,000 लोगों के समक्ष अपने कदम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और आप लोगों के आशीर्वाद से सफलता जो है आपके द्वार पहुंची, और हम लोग जो है वहां जिला परिषद का चुनाव जो है भारी अंतर से जीते। और मैं दूसरे मकान को कमजोर नहीं होने देने की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जहां से मैं चुनाव लड़ा था, क्योंकि इस बार जो था शहरी क्षेत्र नगर पंचायत का गठन हो गया, इसके वजह से वो शहरी क्षेत्र जो कभी पंचायती राज के दायरे में आया करता था, इस बार वो क्षेत्र कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अर्बन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूरल ग्रामीण एरिया पर ही अपने आप को टिकाए थे, और उसमें हमारी संख्या जो थी जिस समाज से हम ताल्लुक रखते हैं, हम लोग बनिया समाज में 54 कुड़ी है, और उसमें जो है कर्कोदन समाज से जो हम लोग ताल्लुक रखते हैं, हमको लगता है कि हम लोगों का वोट जो है महज 50 वोट से ज्यादा का नहीं बचाता। देखिए हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे 6 वोट का दायरा बचाता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, मैं दूसरे मकान को कमजोर नहीं होने देने की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं धन्यवाद दूंगा कि बनिया बिरादरी के अन्य लोगों का भी कि लाख परिस्थितियां विपरीत, आप जानते हैं ग्रामीण इलाकों का जब चुनाव होता है तो परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाती है, एक एक समीकरण जो है गांव का समीकरण बनने लगता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि बनिया समाज के तमाम लोगों का भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी, और किसी भी परिस्थिति में किसी के बहकावे में आने को तैयार नहीं हुए, और पूरे बनिया समाज का एक एक मत जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने घर को हमको मजबूत करना है तो दूसरे घर को कमजोर नहीं होने देना है, और अपने घर को इतना मजबूत करना है
कि दूसरा घर जो है हमें नेता मानने को तैयार हो, हमारे समाज के लोगों को नेता मानने को तैयार हो। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार की कार्यशैली हमारे बड़े भाई आदरणीय उमेश जी का है, निश्चित रूप से आने वाले समय में गढ़वा में भी जो है कसौदन समाज का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं और भी आग्रह करता हूं कि जब भी पंचायती राज का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, आप पीछे मत हटिए। आप ये मत देखिए कि आपका कितना वहां जनाधार है और कितना वोट है। आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए, लोगों से लड़िए, और जब आप लगातार लड़ेंगे तो आपको आपका अधिकार जरूर मिलेगा। हो सकता है कि हमारे 100 लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 98 हार जाएंगे, लेकिन 2 तो जीतेंगे, और जब वो 2 जीतेंगे तो आने वाले समय में 200 प्रतिनिधियों को पैदा कर देंगे अगर ईमानदारी से वो काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और, चूंकि बहुत से वक्ता हैं और भी बोलने वाले, और मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात मैं और भी कह के कि आज आर्थिक रूप से ग्रामीण इलाकों में कुछ हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से हमारे लोग उतने भी कमजोर नहीं है कि संगठन का समर्थन बढ़िया से नहीं कर सके। मैं खास करके समाज के जो समृद्ध लोग हैं, विशेष करके मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक ऐसी प्रस्ताव जो है निकल के आना चाहिए कि जहां जहां भी हमारा समाज एक अच्छी संख्या में उपस्थित है, वहां जो है एक ऐसे भवन का भी निर्माण हो जिससे समाज के अन्य वर्गों में भी एक सकारात्मक संदेश जाए। और इसके लिए कल मैं बाबा गणिनाथ जी के पूजा महोत्सव में था, मदेशिया कानू जी जिनको बोलते हैं, उनके एक पूजा कार्यक्रम था हमारे ही जीटी रोड पर अवस्थित पंचायत सकरी, उसी वहां पर मैंने देखा कि 3 लोग आए और वो जो है बहुत उत्सुकता के साथ मंच पे खुद आए और उन्होंने कहा कि सकरी के नहर के साइड में मेरा 5 डिसमिल जमीन है और हम 4 भाई हैं। ऐसा है कि हम चारों भाई जो है समाज के बाबा गणिनाथ जी के मंदिर निर्माण के लिए उस जमीन को समाज को डोनेट करते हैं। जब भी समाज चाहे वहां मंदिर का निर्माण कराए आर्थिक व्यवस्था को करके, और हम मंदिर के लिए अपने जो है जमीन को हम लोग देते हैं। तो वैसे वैसे कुछ हमासा को हमारे समाज से भी निकल कर सामने आना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आप समृद्ध हैं, तो निश्चित रूप से आपको समाज के लिए जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके हो सकता है कि 100 डिसमिल अगर आपके पास है और 1 डिसमिल का डोनेशन अगर आप समाज के लिए देते हैं, तो दूसरा भी जो है 10 डिसमिल वाला भी जो है वो भी थोड़ा सा आगे कदम बढ़ा देगा, आपको देख कर कदम बढ़ा देगा। इसलिए आपको जो है निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। मैं समाज के वैसे सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उनको जो है एक सकारात्मक सोच के लिए, समाज के विकास के लिए, और आने वाले अपने जो हमारा जनरेशन है, आने वाला जो हमारे पीढ़ी है, उसको एक सकारात्मक उदाहरण पेश करने के लिए ऐसे कदमों को उठाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आप देखते हैं कि अन्य समाजों में जितनी कमाई हमारी होती है, हर लोग कमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई ज्यादा कमाता कोई कम कमाता, लेकिन जो जितना भी कमाता है, चाहे कोई 1 लाख कमाता हो, चाहे कोई 5 लाख कमाता हो, चाहे कोई 10 लाख कमाता हो, चाहे कोई 50 लाख कमाता हो, सब कमा रहे हैं, सब अपनी अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए जितना भी हो सकता है, भगवान ने जीवन दिया है तो उसका प्रयोग तो कर ही रहे हैं। और अगर उसका 1% भी 2% भी अगर समाज के विकास के लिए, समाज को अगर बढ़ चढ़ कर आगे निकाल कर ईमानदारी से देने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से यह समाज जो है बहुत ऊपर जाएगा और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है वो मजबूती से आगे बढ़ेगी। हमारे पास हमारा भवन होगा, हमारे पास हमारा धर्मशाला होगा, हमारे पास अपना कार्यालय होगा, हमारे पास अध्यक्ष के बैठने के लिए एक अच्छा सा कार्यालय होगा, और आपकी समस्याओं को सुनने के लिए भी एक व्यवस्थाएं उपस्थित होंगी। तो इसलिए
जो है मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में समाज को सामाजिक विकास करने के लिए इन विषयों पर भी आगे बढ़ने का विचार करना चाहिए। मैं ये प्रस्ताव भी अपने राष्ट्रीय युवा कसौधन समाज को भी आज इस मंच से देता हूँ। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन सभी विषयों पर हमें मजबूती से काम करना है और निश्चित रूप से आज ये संकल्प लेकर हमें यहाँ से जाना है कि हम लोग आने वाले समय में इस समाज को मजबूत करेंगे और इस समाज को मजबूत करते हुए पूरे वैश्विक समाज को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने यहाँ जो प्रतिष्ठा दिया इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ उपस्थित मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरी ईमानदारी से और शांति से हमारी बातों को सुना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय जय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।